प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 12 पद्यखंड अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम द्वारा रचित प्री प्रवास के पवन दूतिया शीर्षक को देखेंगे। पाठ एक है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता रा होके। देखेंगे प्रस्तुत शीर्षक में श्रीकृष्ण के वियोग में व्यथिता राधा जी का पवन से वार्तालाप का वर्णन है। आगे देखेंगे आप, बैठी खिन्ना एक दिवस गेह में थी राधा अकेली। एक दिन राधा दुखित होकर के घर में अकेली बैठी थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और प्रिय वियोग के आंसू नेत्रों में आ करके नेत्रों से नीचे गिर करके धरा को, धरती को, भूमि को भिगो रहे थे, गीला कर रहे थे, आर्द कर रहे थे। आई धीरे उसी सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, और इसी समय प्रातःकालीन सुच शीतल मंद सुगंधित सुखद वायु वातायनों से, खिड़कियों से, खिड़कियों के रास्ते उसी घर में प्रविष्ट होती है जहां राधा जी कृष्ण के वियोग में दुखित होकर अकेली बैठी हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के, जब राधा के संताप, राधा के दुख अधिक बढ़ने लगे, अब देखिए ध्यान देने की बात है, अप्रातःकालीन सुशीतल मंद सुगंधित सुखद बयार हवा समीर किसको नहीं भाती, लेकिन राधा जी को अच्छी नहीं लग रही है, संताप विपुल बढ़ रहा है, अधिक बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? वही वायु संयोग के समय जो सुखद थी, आज वियोग में दुख को बढ़ा रही है। और दुख को अधिक बढ़ता देख करके राधिका ने दुख के साथ पवन से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, हे प्यारी पवन। जरा देखिए, पवन पुल्लिंग है तो प्यारा होना चाहिए ना, लेकिन प्यारी आया यहां पर। हरिओम जी ने अपने कार्य सिद्ध के लिए, प्रयोजन सिद्ध के लिए पुल्लिंग पवन को स्त्रीलिंग बना करके मानवीकरण कर दिया है, अपने प्रयोजन सिद्ध के लिए, कार्य सिद्ध के लिए पवन को, पुल्लिंग पवन को स्त्रीलिंग बना दिया है। इसलिए प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातःकालीन पवन वायु, तू
मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर के तू दूषित हो गई है, कलुषित हो गई है? मेरे काल की क्रूरता से तू भी दूषित हो गई है? कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है, अभिप्राय है, आशय है, तात्पर्य है कि मेरा भाग्य तो मेरे विपरीत है ही, क्या तू भी मुझे सताने पर तुली है? क्या तू भी मेरे दुख को, संताप को बढ़ाना चाहती है? मेरे भाग्य की कठोरता के प्रभाव से कलुषित हो गई है, दूषित हो गई है? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से सासे सी इव सम समान तुल्य सरी सदृश जैसे। उपमालंकार, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर किया जाए तो वहां उपमालंकार। समान गुणधर्म मिलना चाहिए, ध्यान रहे। जैसे यह कहा जाए कि यह ईंट मक्खन की तरह मुलायम है, यह कहा जाए यह बर्फ बिल्कुल आग की तरह है, तो ध्यान देने की बात है, साधारण गुणधर्म यहां नहीं मिल रहा है। उपमालंकार में उपमेय का, उपमान उपमान का, उपमेय का जो गुणधर्म है वह मिलना चाहिए। उपमालंकार के चार अंग, उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द। जिसकी तुलना किया जाए उपमेय, जिससे तुलना किया जाए उपमान, वह गुण जो उपमेय उपमान में समान रूप से संलग्न हो, मिला हो, उपस्थित हो, मौजूद हो, साधारण धर्म वाचक शब्द, जिस सबसे समानता बताते हैं। उपमालंकार के भेद में जाते हैं पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, रसनोपमा, मालोपमा। ध्यान देने की बात है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले श्री कृष्ण जी नवीन बादलों जैसी सुंदर आभा वाले, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी मेरे प्रिय मथुरा गए तो न तो लौट करके आए और न तो मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, इसलिए प्रिय वियोग में मैं रोते रोते पागल हो गई हूं। जाके मेरी सब दुख की कथा श्याम को तू सुना दे, मेरे विरह की व्यथा और दुख की कथा जाकर श्याम को बता दे, जता दे, सुना दे, ताकि मेरी याद कन्हैया को आ जाए। आगे देखेंगे, जो ही मेरा भवन तज के तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा देने वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, तो भी मेरा दुख लख के वहां जानना विश्राम करना। राधा पवन को पुनः समझाती हैं, संदेश देती हैं, बताती हैं, जैसे ही मेरा घर छोड़ करके थोड़ा सा तू आगे बढ़ेगी, शोभायुक्त सुखद बहुत सी कुंजलताएं मिलेंगी। कान मिले कहूं कुंजल तान में, देखी के सौतन के ही फाटे,
नाहक मोहि कलंक लगाई के घूमी घरे घरे पाहुर बाटे। आई नई यही गांव के खोरे ने काहे धसे सबके उर काटे। अरे आग लगे यही गोकुल में जहां ऊंट चढ़े पर कुकुर काटे। जैसे ही मेरा घर छोड़ करके अल्प आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो बहुत सी मनमोहक आकर्षक शोभा से युक्त सुंदर कुंज की लताएं मिलेंगी और उनकी छाया बहुत शीतल है, बड़ी सुखद है और मृदुल स्वर और उसमें सुंदर पक्षी सुंदर स्वर मीठे मधुर स्वर में चहका करते हैं, बोला करते हैं, कूका करते हैं, बड़े आकर्षक हैं। वहां की शोभा चित्ताकर्षक है, वह तुम्हें मोह लेगी, वहां का आकर्षण तुम्हें मोह लेगी। और लेकिन तुम मेरे दुख को लख के देख के जान करके वहां रुकना मत। आगे देखेंगे, थोड़ा आगे और बढ़ेगी सरसरव का धाम सतपुष्प वाला। अच्छे अच्छे द्रुम अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। जाना जाना इस विपिन से मुझ माना न होना। राधिका जी पवन से पुनः कहती हैं, हे पवन हे वायु, थोड़ा और आगे तू जाएगी तो बहुत प्यारा मनमोहक आकर्षक वृंदावन मिलेगा जो मन को मुग्ध कर देगा और उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं हैं और वह फलों और फूलों से लदा रहता है वृंदावन। और आना जाना इस विपिन से मुहिमाना न होना। और इस वृंदावन में आना जाना का मतलब इधर उधर भ्रमण करना, इधर उधर जाकर के भ्रमण कर लेना, देख लेना, निहार लेना, अवलोक लेना, विलोक लेना, लेकिन उस पर इतना मोहित मत हो जाना कि वहां विश्राम करना, वहां विश्राम करना, रुकना ऐसा मत करना। तुम्हें वहां रुकना नहीं है, विश्राम नहीं करना है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, पुनः राधा जी कहती है, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गातव उत्ताप खोना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। उपमा अलंकार, और जाते हुए अगर रास्ते में कोई थका हुआ पथिक दिखाई दे, राही दिखाई दे, राहगीर मिल जाए तो उसके सन्निकट उसके नजदीक उसके पास जाकर के अपने सदगुण शीतल मंद सुगंध गुणों से उसको परस करके, उसको स्पर्श करके, उसको छू करके क्रांतियों को मिटाना, उसके थकान को मिटा देना। और क्या करना है, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप और उसकी गर्मी को भी मिटा देना। उत्ताप उसे स्पर्श करके उसकी थकान और उसकी गर्मी को मिटा देना। आगे देखेंगे, पुनः राधा जी कहती हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। अगर रास्ते में जाते हुए कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे मिल जाए तो इतने वेग से मत बहना कि उसके वस्त्र उड़ करके अस्त व्यस्त हो जाएं और वह
उसकी शरीर उघड़ जाए, खुल जाए, इसका ध्यान रखना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले, श्रांति खोना। हरिओ जी कहते हैं, अगर वह स्त्री आपको थकी दिखाई दे तो उसे अपने गोद में उठा लेना। गोद में उठाने का मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेना। ऐसे नहीं आप कहेंगे कि सर जी वो पवन कैसे उसको गोद में उठाएगा, ऐसे नहीं, चारों तरफ से घेर लेना। और होठों की और कमल जैसे सुंदर मुख की मलिनता को मिटा देना, दूर कर देना, भगा देना, गायब कर देना। आगे देखेंगे। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कृषक ललना कृषक स्त्री, कृषक पत्नी, अगर खेत में काम करते हुए थकी कोई कृषक स्त्री दिख जावे तो धीरे धीरे परस, उसकी क्लांतियों को परस माने स्पर्श करना। अरे तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अथवा सठ सुधरही सत संगति पाई, पारस परस कुधा तु सुहाई। धन्य हो आत्मा आत्म झुलसी नंदन संशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, कैसे सुंदर सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत कर दिए श्री रामचरितमानस में। परस माने स्पर्श करना, छूना। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, अपने सद्गुणों से उसे छू करके, उसे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना माने स्त्री। भूतांगना ध्यान देना। धन्य हो हरिओ जी। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, व्योम आकाश, व्योम गगन आकाश नभयंबर शून्य अनंत अंतरिक्ष दिगन, पढ़े हैं आप जानते हैं, कहना नहीं है, सुनाना नहीं, बताना नहीं है। और यदि आकाश मार्ग से जाता हुआ कोई बादल का टुकड़ा दिखाई दे तो उसे अपने वेग से खींच करके उस थकी हुई कृषक ललना के ऊपर छाया कर देना, जिससे शीतल सुखद छाया से वह मुग्ध हो। सुखित करना, शीतल सुंदर छाया से वह प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, मुदित हो जाए, प्रमुदित हो जाए। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में। हाँ प्यारी बहन, एक और ध्यान देना, तू आगे जब जाएगी तो जाते जाते मथुरा धाम नगरी को देखना मत भूलना। बहुत और उसकी सुंदरता का वर्णन कैसे करूं, इतनी सुंदर नगरी है, इतनी सुंदर, इतनी अनुपम, इतनी अद्वितीय, इतनी अनोखी है, तू देखने के लिए उत्सुक हो जाएगी, अपने आप स्वतः उत्सुक हो जाएगी। और न्यारी शोभा वर माने श्रेष्ठ, वर दंत की पंकज कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। वर माने श्रेष्ठ, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और उस श्रेष्ठ सुंदर नगर की शोभा देख करके उस पर मुग्ध होना, प्रसन्न होना। और तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। अर्क माने आप जानते होंगे, अर्क माने होता है रस, लेकिन यहां अर्क माने सूर्य।
दूसरे सूर्य, दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त, दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त मेरु, मेरु माने सुमेर पर्वत, सुमेर पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे भवनों को, प्रासादों को, महलों को, घरों को देखेगी तो तेरे आश्चर्य का ठिकाना न होगा। प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे अगले वीडियो में। हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान देना, आप लोग जब वीडियो देखें तो किताब को सामने रख लें, केवल कथा न सुने, ठीक है। किताब को सामने रख करके उसके अर्थ को देखते जाएं, फिर भगवत कृपा होगी तो क्लास में आ पाएंगे, हम उपस्थित रहेंगे, अनवरत सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे, दोहराया नहीं जाएगा और दोहराएंगे नहीं, ध्यान करना, पढ़ लेना, समझ नहीं आया।